हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्फोरम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं वर्ग समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर और 49 को ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो जब आप 49 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 49 प्लस का। उसके बाद आप लिखेंगे x बराबर 49, 49 का क्या कर देंगे रूट। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा दूसरी तरफ जाकर, रूट। एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस 49 के वर्गमूल निकालने हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 49 के वर्गमूल। 49 के जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 49 के जो वर्गमूल होंगे प्लस और माइनस 7 होंगे, तो जो इसका आंसर होगा वो प्लस माइनस 7 आएगा। अब कैसे होंगे यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जैसे आप अगर 7 का वर्ग करते हैं तो वो कितना आता है 49, और अगर माइनस 7 का वर्ग करते हैं तो वो भी क्या आता है, प्लस के 49 आता है। माइनस माइनस की जब गुना हो जाएगी तो वो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे इसमें से आंसर निकल के आएंगे वर्गमूल में से, वो हमारे प्लस और माइनस दोनों के होंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर x पर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसके जो मूल हैं या हल हैं वो कितने आएंगे, दो ही आएंगे। जितनी उसकी पावर है उतने ही उसके हल होंगे। अब ऐसे ही हम सेकंड सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, 16x की पावर 2 माइनस 9 बराबर 0। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 9 को दूसरी तरफ ले जाइए, 16x की पावर 2 बराबर 9, 9 हो गया प्लस का इधर जाके। अब आप क्या करेंगे, इस 16 को इसके डिवाइड में कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9/16, ठीक है। उसके बाद एक्स बराबर 9/16 और इसका क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। रूट हो गया, यहाँ तक आने के बाद आप क्या लिखोगे, 9 का रूट कितना होता है 3 और 16 का रूट 4। क्या कर दीजिए इनको प्लस और माइनस, तो एक्स के दो आंसर हो गए, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया। अब अपने चलते हैं थर्ड सवाल की ओर। थर्ड सवाल में दिया हुआ है, थर्ड सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आसान है, 64 को दूसरी तरफ ले जाइए और रूट कर दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर मैंने लिख दिया यहाँ 18, यहाँ पे 2, ये 18 दूसरी तरफ चला गया। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर 18/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 2 से काट दिए, कितना बन जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 मतलब एक्स बराबर 9 का रूट, और 9 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 3, ठीक है। इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।